हेलो दोस्तों, आज हम बनाएंगे सूजी से बनी एक बहुत ही हेल्दी एंड टेस्टी रेसिपी। ये खाने में जितना टेस्टी है, बनाना भी उतना ही इजी है और ये बच्चों को और बड़ों को बहुत ही पसंद आने वाला एक रेसिपी है। तो चलिए ये रेसिपी को बनाते हैं। इसे बनाने के लिए पहले हमने 1 कप सूजी लिए हैं। ये पतला दाना वाला सूजी है। अगर पतला दाना नहीं है तो मिक्सी के जार में चला के आप इसको पतला दाना बना सकते हैं। अब इसमें हमने 1/2 कप दही डाले हैं। अब थोड़ा सा ही नमक डाल देंगे, स्वाद अनुसार जितना हमने सूजी लिए हैं उस हिसाब से हम नमक डाल देंगे और 1/2 चम्मच हम इसमें शक्कर डालेंगे। शक्कर डालने से इसका टेस्ट बहुत ही बढ़िया आता है। अब इसमें हम थोड़ा सा ही पानी डाल के एक बैटर तैयार करेंगे। इसको हम अच्छे से मिक्स करके एक लम्स फ्री बैटर बनाएंगे। तो बैटर को हम ज़्यादा पानी नहीं डालेंगे, हम बाद में इसमें अगर चाहिए होगा तो डालेंगे। अब इसको कवर करके हम 10 मिनट के लिए रख देंगे ताकि सूजी को हमारा फूल जाए और नाश्ता हमारा सॉफ्ट बने। अब इसको हम मिक्स कर लेंगे। अब इसमें पानी की ज़रूरत नहीं है, हमने जितने पहले डाला था उतना ही काफ़ी है। अब हमने 4 कटोरी लिए हैं। ये कटोरी में चारों साइड से अच्छे से ऑयल ग्रीस कर लेंगे। ऑयल ग्रीस करने से हम जो इसमें नाश्ता बनाएंगे वो आसानी से निकल आते हैं। अब ये बैटर में 1 पिंच जितना हम खाने वाला सोडा डाल देंगे। खाने वाला सोडा डालने से ये बहुत ही सॉफ्ट और ये अच्छे से फूल जाता है। अब इसमें थोड़ा सा ही पानी डाल के हम इसको मिक्स कर लेंगे। अब ये कटोरी लेंगे और ये बैटर में से 2-2 चम्मच करके सब कटोरी में हम भर लेंगे। अब ये कटोरी में हम 1/2 बैटर डालेंगे और 1/2 खाली रखेंगे। जब ये नाश्ता फूल जाता है तो ये कटोरी भर जाता है, इस वजह से हम इसमें 1/2 ही डालेंगे। हम देखिए सारे कटोरी में हम 1/2 करके भर लेंगे। अब एक कढ़ाई में पानी गर्म करने के लिए रखेंगे। पानी जब उबल जाए फिर उसमें एक स्टैंड रखेंगे। अगर स्टैंड नहीं है तो एक प्लेट लेंगे और प्लेट को भी स्टैंड के जगह उल्टा करके रख के भी हम बना सकते हैं। अब हमने एक स्टैंड रख लिया है, उसके ऊपर हम एक प्लेट रखेंगे और ये प्लेट के ऊपर हमने जो चारों कटोरी में बैटर भर के रखे थे वो चारों कटोरी इसके ऊपर ही रख देंगे और इसको कवर करके हम 10 मिनट के लिए छोड़ देंगे और गैस के फ्लेम को मीडियम में रखेंगे और इसको कवर करके 10 मिनट के बाद ही हम इसको चेक करेंगे। ये 10 मिनट हमारे पास टाइम है तो हम इसको टेस्टी बनाने के लिए इसके लिए स्टफिंग बना लेते हैं। स्टफिंग बनाने के लिए हमने उबले हुए आलू लिए हैं। अब ये आलू को मैश कर लेते हैं। अगर कोई आलू नहीं खाते हैं तो आलू की जगह आप सोयाबीन को बॉईल करके भी ले सकते हैं, वो भी इसमें अच्छा लगता है। अब इसमें ऐड करेंगे स्वाद अनुसार नमक और 1/2 चम्मच से कम जीरा पाउडर और धनिया पाउडर और 1/2 चम्मच हम चाट मसाला डालेंगे। चाट मसाला डालने से इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। अब इतना ही मसाले डालेंगे। अब इसमें डालेंगे कटा हुआ प्याज और पनीर को हम क्रश करके रखे हैं, उसको भी थोड़ा सा डाल देंगे। अगर पनीर नहीं होगा तो इसको भी स्किप कर सकते हैं। अब इसमें हम धनिया पत्ता डाल देंगे। अब इस स्टफिंग में हम 2 चम्मच टमाटो केचप डाल देंगे। अब ये सारे चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर देंगे। इस स्टफिंग में हमारा हरी मिर्च और टमाटो रह गया था तो अब इसमें हम डाल देंगे और स्टफिंग को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हमारा स्टफिंग बन के तैयार है। इसमें से हम एक पोर्शन हाथ में लेंगे और घुमाते हुए इसके टिक्की शेप दे देंगे। जैसे हम टिक्की बनाते हैं उस तरह से हम टिक्की के शेप में बना के रखेंगे। अब 10 मिनट हो गया है तो अब इसको भी चेक कर लेते हैं। ये भी बन के तैयार है। अब गैस के फ्लेम को ऑफ कर देंगे और ये नाश्ते को हम अलग से निकाल लेंगे। इसको हम 2 मिनट के लिए अगर बाहर रख देंगे तो ये आसानी से निकल जाता है। अब देखिए इस तरह से हम सारे निकाल लेंगे और ये नाश्ता बहुत ही सॉफ्ट बनता है। आप इस तरह से इसे खा सकते हैं, लेकिन अगर इसमें हम स्टफिंग भरेंगे तो ये और भी टेस्टी बनता है। अब इसमें से एक लेंगे और मिडिल से एक चाकू की मदद से कट कर लेंगे। दोनों को सिमिलर पार्ट में डिवाइड करेंगे। अब देखिए हमने इस तरह से कट कर लिया है। अब इसके अंदर हमने जो आलू के स्टफिंग बना के रखे थे उसको रखेंगे
और उसका ऊपर के पार्ट रख देंगे। जैसे हम बर्गर में दोनों पार्ट के अंदर हम टिक्की भरते हैं, उस तरह से दोनों पार्ट के बीच में स्टफिंग रख देंगे। अब एक हमारा तैयार है। इस तरह से हम सारे बना के तैयार कर लिए हैं। अब चलते हैं, एक पैन हीट करेंगे, उसमें 2 चम्मच ऑयल दे देंगे। अब ये नाश्ते को ये पैन में रख देंगे। बस एक साइड 1 मिनट के लिए हम सेक लेंगे, दोनों साइड 2 मिनट में नाश्ता हमारा ऊपर के साइड थोड़ा सा क्रिस्पी हो जाएगा। अगर हम ये नाश्ते को ना सेकेंगे तो भी इसको हम खा सकते हैं। अगर हम इसको थोड़ा सा सेक लेंगे, इसका जो टेस्ट है ये अलग सा पता चलता है। अब देखिए, ये नाश्ता हमारा सेक चुका है। अब इसको ज़्यादा नहीं, बस 2 मिनट में दोनों साइड सेक लेंगे। अब इसको हम निकाल लेंगे प्लेट में। अब इसके ऊपर से थोड़ा सा ही लाल मिर्च का पाउडर डाल देंगे। ये दिखने में जैसे बर्गर जैसा लग रहा है, ये सच में खाने में भी बहुत ही टेस्टी एंड हेल्दी है। अब इसके ऊपर से हम थोड़ा सा ही कटे हुआ धनिया पत्ता डाल के अब इसको सर्व कर सकते हैं। ये नाश्ता बच्चे हो या बड़े, ये सबको बहुत ही पसंद आने वाला है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा ये रेसिपी अच्छा लगे तो एक लाइक कर दीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, ताकि आपको आगे भी ऐसे इंटरेस्टिंग रेसिपी मिलता रहे। तो फिर मिलते हैं और एक रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।